स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल लैगरॉक एंटरटेनमेंट में, जहां हम लोग रियो ट्यूटोरियल की हिंदी सीरीज एक एक करी करके आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि ग्रिड क्या है, ग्रिड कैसे काम करता है और ग्रिड की क्या उपयोगिता है, फाइल सिस्टम से कैसे हम फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक कट कॉपी पेस्ट कर कैसे एंटिटीज को सेलेक्ट करके हम एक दूसरे लोकेशन पे उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं जो कि हमारे डिजाइन टाइम को बचाएगा। यानी कि एक डिजाइन को मैं पहले बना चुका हूँ तो बार बार उस डिजाइन को बनाने की क्या जरूरत है, मैं उसे वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रॉपर लोकेशंस पे उसे कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिक ये डाटम्स में डाटम्स ग्रुप में ये सारे दिए हुए ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन, ज्योमेट्रिक पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो ज्योमेट्रिक एंटिटीज हैं ये स्केच का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये तीन दी हुई है और यहाँ पे भी ये तीन दी हुई है। ये जो है ये कंस्ट्रक्शन सेंटर लाइंस है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो दी हुई है तीन, ये डाटम यानी कि रिफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे हम ज्योमेट्रिक एंटिटीज कहते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे सेंटर लाइन, ये इन्फिनाइट सेंटर लाइन बना देगा। इन्फिनाइट सेंटर लाइन यहाँ पे टू पॉइंट को क्लिक करने पर, यानी कि दो बार लेफ्ट क्लिक करने को ये बना देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बार लेफ्ट क्लिक करता हूँ, मैं इसे ओरिएंट करता हूँ हॉरिजॉन्टल में जिस भी डायरेक्शन में मैं चाहूँ, और मुझे फिर दोबारा लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये एक ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन तैयार हो जाएगा। स्क्रॉल बटन को क्लिक करूँगा तो मैं कमांड से बाहर आ जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कमांड से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि यह एरो जो है ये हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे ये कंस्ट्रक्शन मोड के बारे में, लेकिन कंस्ट्रक्शन मोड जानने से पहले हमें पहले बेसिक टूल्स यानी कि स्केचिंग में जो टूल्स इस्तेमाल हो रही हैं उन स्केचिंग टूल्स के बारे में जानकारी लेनी होगी। स्केचिंग टूल्स में यहाँ सबसे आप पहले देख सकते हैं एक लाइन चेन दिया हुआ है, लाइन चेन, क्योंकि ये सारे स्केच टूल्स हैं, स्केच टूल्स स्केचिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इन्हें वेरियस पर्पस में यानी कि एक या एक से अधिक मोड में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इधर से उधर फोटो को मतलब स्केच को बनाने के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइन स्केच कैसे काम करता है और इसमें माउस मिडिल बटन की क्या उपयोगिता है या उसे कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लिया हुआ है लाइन को, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन सेलेक्टेड है। जैसे ही मैं इसे लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करूँ तो ये लाइन बननी शुरू हो गई। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट ये दर्शा रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइंस के लिए वर्टिकल कांस्टेंट, या किसी एंगल पे आप बनाना चाहते हैं तो किसी एंगल पे, मतलब ये इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड या आप जिधर भी इसे बनाना चाहें ये उधर बन सकता है। ऐसे मान लीजिए मैं इसे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ तो इसे मैं फिर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये लाइन उस पॉइंट पे, फिर उस पॉइंट तक ये लाइन पूरी हो जाएगी और नेक्स्ट पॉइंट के लिए ये मुझसे क्रियो मतलब क्रियो यूजर से पूछेगा कि कहाँ तक आपको फिर देनी है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से फिर मैं लाइन ड्रॉ ना करूँ, कहीं दूसरी जगह से ड्रॉ करूँ, तो मुझे एक स्टेप कमांड से बाहर आनी होगी। कमांड से बाहर आने का सेंस ये है कि यहाँ उस पॉइंट को वहाँ पे छोड़ देगा लेकिन कमांड रो एक्टिव रहेगा। स्क्रॉल को मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से बाहर आकर देखिए फिर भी यहाँ पे ये पॉइंटर जो है वो पॉइंट यानी कि लाइन कमांड को एक्टिव किए हुए है। जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ ये वर्टिकल के लिए शो कर रहा है कि वो पॉइंट जो है एग्जैक्टली नीचे है 90 डिग्री पे। मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ किया, ये दिखा रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने यहाँ पे किसी एंगल पे बना दिया, फिर मैं यहाँ पे बना दिया और इसे मैं स्क्रॉल बटन क्लिक करते हुए यहाँ से एक स्टेप बाहर आया, मैं फिर से क्लिक करूँगा तो मैं लाइन कमांड से ही बाहर आ जाऊँगा। देखिए यहाँ पे लाइन कमांड एक्टिव नहीं है और ये यहाँ सेलेक्ट वाली एक्टिव हो चुकी है, इसका मतलब कि मैं फ्री हूँ किसी दूसरे कमांड को सेलेक्ट करने के लिए और ये डायमेंशंस वगैरह आ चुके हैं। तो आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये स्क्रोल बटन। अगर आप इस कीबोर्ड पे अपना हाथ रखे हुए यार कीबोर्ड इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्क्रोल की जगह पे एस्केप की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट किया, मैं एस्केप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक स्टेप में बाहर आ गया मैं, फिर स्केप का इस्तेमाल किया मैं डायमेंशंस के लिए आ गए कि आप उस कमांड से बाहर निकल चुके हैं। अब आप जितने भी मॉडिफिकेशंस करने चाहते हैं उस मॉडिफिकेशंस को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो लाइन कमांड में दूसरी है लाइन टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स किसी भी सर्फेस से वो 90 डिग्री की एंगल बनाते हुए या उसको टच करते हुए पास करता है उसे टेंजेंट बोलते हैं। हम यहाँ पे सर्कल एक का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं कि ये टेंजेंट कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे दो सर्कल बना लिया हुआ है, मिडिल माउस बटन को क्लिक करने से मैं बाहर आ गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लाइन टेंजेंट। तो मुझे दो एंटिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब मुझे दो पॉइंट देनी पड़ेगी जहाँ से वो लाइन टेंजेंट होकर के गुजरेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल पे क्लिक किया, मैं देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो ये टेंजेंट नहीं होगी, अब ये ऑटोमेटिक एक डॉटेड पॉइंट वहाँ पर दिखा रहा है जहाँ पे वो लाइन टेंजेंट होगी।
मैं अगर इधर करूँ तो मैं इस सर्कल पर क्लिक करूँ तो ये लाइन यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे देख सकते हैं ये टी, यानी कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल पे टेंजेंट है, ये जो लाइन है इस सर्कल पे टेंजेंट है। तो ये सर्कुलर केस के लिए भी हो सकता है, अदर केस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब ये टू सिलेक्टेड पॉइंट्स पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि कॉर्नर रेक्टेंगल, स्लेंटेड रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल को। कॉर्नर रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए मुझे टू पॉइंट्स चाहिए, यानी कि दो कॉर्नर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्टिव है, इसे मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसे ड्रैग करते हुए मैं आगे ले रहा हूँ। यहाँ जहाँ भी मुझे चाहिए, जहाँ भी यहाँ पे ये कर्सर जो बटन है वहाँ पे एक बार और मैं क्लिक करूंगा तो ये डायमेंशन यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी भी मैं कमांड में हूँ क्योंकि मैं पहले ही बताया हुआ है कि मिडिल माउस बटन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एक बार कमांड से बाहर आएंगे जब तक वो कमांड पूरा ना हो जाता, क्योंकि ये सर्कल में मुझे, सॉरी रेक्टेंगल में मुझे दो पॉइंट देनी है एक रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही मैं दो पॉइंट दिया ये एक स्टेप कंप्लीट पूरा हुआ, एक स्टेप में पूरा हुआ, फिर मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, ये कमांड एक्टिव है, मैं दूसरा रेक्टेंगल बना सकता हूँ। जैसे ही एक रेक्टेंगल तैयार हुआ मैं कमांड से टेम्पोरली बाहर आऊंगा, मैं फिर बना सकता हूँ दूसरा, मैं फिर बना सकता हूँ इसे दूसरा। जैसे ही मैं फिर इसे माउस बटन को क्लिक करूंगा मैं कमांड से बाहर आ जाऊंगा और डायमेंशन मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी कि आप डायमेंशन को मॉडिफाई करें। पूरे एंटिटी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और ए का इस्तेमाल, कंट्रोल अल्ट एंड ए का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये ग्रीन हो गया, सारी सिलेक्टेड है, मैं इसे वर्क स्पेस को क्लियर कर ले रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से और चीजों को बता सकूँ। दूसरा है यहाँ पे स्लैंटेड रेक्टेंगल, स्लैंटेड रेक्टेंगल इन सेंस यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एंगल पे रेक्टेंगल्स को क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया, अब ये कमांड पूछ रहा है कि इधर आपको रेक्टेंगल की बनानी है या इधर रेक्टेंगल बनानी है। मैं इधर जहाँ भी छोड़ दूंगा ये, जहाँ भी मैं ये लेफ्ट क्लिक कर दूंगा ये हो जाएगा। जैसे मैं फिर से कर रहा हूँ, ये मैंने इधर किया इस बार, तो ये ऐसे मैं ऐसे लिया, मैंने किया ऐसे, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट और मुझे बनानी है इस तरह रेक्टेंगल ऐसे, तो मैं इसे लेफ्ट का लेफ्ट क्लिक करके इसे बना सकता हूँ। ये सारी चीजें आपकी जरूरत के अनुसार यूज होंगी, ये बेसिक टूल्स हैं जिसे जानना बहुत आसान चीज है, लेकिन इसको यूज करना, कहाँ पे आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, कब आपके दिमाग में ऐसा आए कि इस चीज को हमें यहाँ पे यूज करना है, इस चीज को यहाँ पे यूज करना है, देन ये आप पे डिपेंड करता है। और यही तो अंतर होगा, एक जितना ज्यादा आप इस चीज को यूज करेंगे, जितना ज्यादा पर्टिकुलरली आप ये हर एक ड्राइंग में किसी पर्टिकुलर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके डिजाइन टाइम को बचाता है, तो आप अच्छे डिजाइनर के रूप में उभरेंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल जैसे मान लीजिए मुझे एक सेंटर लाइन ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन ले लिया, मुझे पहले इन चीजों को डिलीट करनी पड़ेगी, वर्क स्पेस ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। सेंटर लाइन को भी मैंने डिलीट ही कर दिया, मैं सेंटर लाइन ले ले रहा हूँ फिर से, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने की खासियत है कि जब भी आप कभी रेक्टेंगुलर, जब भी आप कहीं सेंटर लाइंस पे आप इसे ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये सेंटर पॉइंट पे आप देंगे यहाँ पे, और सेंटर पॉइंट से आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ये जो पार्ट रेक्टेंगल बना ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक है। मीन्स जितना डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक होगा उतना है, आधा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। मैं एक नॉर्मल कमांड को सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि कितना डिस्टेंस कहाँ तक है। मैं इसको बीच में क्लिक करता हूँ, 5.13, जैसे 10.24 है वहाँ पे, यहाँ 5.13। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ये लाइन कमांड क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें टेंजेंट है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ये टी। अब हम आगे बात करेंगे पैरेललोग्राम, जैसे कि नाम से ही है ये पैरेललोग्राम एक पैरेलल फेसेस को बना देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आप चाहे इसे रोटेट करके, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, फिर से नए बनाने के लिए आ जाएगी कि आप फिर से बनाइए। ऐसे आप इसको इस्तेमाल करके आप यहाँ से बना सकते हैं, जैसे ही आप कमांड से बाहर निकलेंगे डायमेंशन वाली सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो लाइन कमांड और रेक्टेंगल कमांड के बारे में हमने जाना, आगे के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे सर्कल कमांड, आर्क वगैरह के बारे में। और इन सब जब कमांड ये कंप्लीट होंगे या इन कमांड को बताते समय ही मैं आपको कंस्ट्रक्शन मोड के कमांड कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे ये बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।